हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इंग्लिश वोकैबुलरी से संबंधित ये छोटा सा वीडियो है। तो देखते हैं आज के वर्ड्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट वर्ड है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है हिंदी में उपार्जन कमाना, अधिग्रहित करना, अर्जित करना, उपलब्ध करना, हासिल करना, किसी चीज़ को पा लेना और प्राप्त करना। इसके सिनोनिम होते हैं गेन, गेट, प्रोक्योर, ऑब्टेन, सिक्योर एंड बिन। और एंटोनिम एक्वायर वर्ड के होते हैं फॉरफीट, फॉरगो, रिलिंक्विश। ओके, नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है बहुत गंभीर, तीक्ष्ण, धारदार, नुकीला, पैना, अतिपाती, तेज, घातक, चतुर, चालाक। और इसके सिनोनिम होते हैं गेन, गेट, प्रोक्योर, ऑब्टेन, सिक्योर एंड विन। और एंटोनिम होते हैं डिम, डल और एब्स्ट्यूस, ऑफ ट्यूज। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड है आपका वो है एडेक्वेट। एडक्वेट तो इसकी जो हिंदी होती है या मतलब इसका मीनिंग जो होता है वो होता है अनुरूप, काफ़ी, तुल्य, पर्याप्त, बराबर, यथेष्ट, यथोचित, योग्य, समुचित। उसके सिनोनिम होते हैं इनफ, सेटिस्फैक्ट्री, सफिशियंट, कंफर्टेबल, एवरेज, डिसेंट। ओके, और एंटोनिम जो होते हैं वो होते हैं डेफिशिएंट, वांटिंग, इनसफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, समादर, श्रद्धा करना, सराहना करना, बड़ाई करना। सिनोनिम हो जाते हैं एप्रिसिएट, प्रेज, वैल्यू, रेस्पेक्ट, लाइक और रिगार्ड। और एंटोनिम होते हैं ब्लेम, कैनमन और डिसअप्रूव। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका आज का वो है एडॉप्ट। एडॉप्ट बहुत ही कॉमन वर्ड है और आप सभी जानते भी हैं। अपनाना, चुनना, धारण करना, अंगीकार करना, गोद लेना, स्वीकार करना और पारित करना इसके अर्थ हो जाते हैं। तो अब इसके सिनोनिम क्या होते हैं? अफर्म, अप्रूव, कन्फर्म, सैंक्शन, पास, रेटिफाई। ओके, और एंटोनिम होते हैं डिस्क्लेम, डिसऑन, स्पर्न। ओके, एडवेंचरस का मतलब होता है हिंदी में साहसी, जामबाज, निडर, जीवट वाला, उद्यमशील, उत्साही, जोखिमपूर्ण और रोमांचक। सिनोनिम इसके होते हैं वोल्ड, डेयर डेविल, डेयरिंग, इंटरप्राइजिंग, डेंजरस और रिस्की। और एंटोनिम इसके होते हैं कॉन्ट्यूअस, सेफ और टेमिड। ओके, अब देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं कि कौन कौन से वर्ड हमने सीखे हैं। तो हमने फर्स्ट वर्ड सीखा एक्वायर, acquire। एक्वायर का मतलब होता है उपार्जन कमाना और अधिग्रहित, उर्जित या अर्जित, उपलब्ध, हासिल करना, पाना, लाना, प्राप्त करना। और इसके सिनोनिम क्या क्या होते हैं? गेन, गेट, प्रोक्योर, ऑब्टेन, सिक्योर एंड विन। एंटोनिम एक्वायर के होते हैं फॉरफीट, फॉरगो, रिलिंक्विश। ओके, अब एक्वेट हमने सेकेंड वर्ड सीखा, तो इसकी स्पेलिंग होती है acute, एक्यूट। ओके, एक्यूट का मतलब होता है बहुत गंभीर या तीक्ष्ण, धारदार, नुकीला, अतिपाती, तेज, घातक, चतुर या चालाक। ओके, तो इसके सिनोनिम हो जाते हैं गेन, गेट, प्रोक्योर, ऑब्टेन, सिक्योर और विन। ओके, एंड इसके जो सिनोनेम्स है इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। इसके सिनोनेम जो हैं वो एक्वायर के सिनोनेम ही इसमें लिख दिए गए हैं। तो ये एक बार मैं बता देती हूँ, ये जो सिनोनेम्स हैं गेन, गेट, प्रोक्योर, ये तो है एक्वायर के सिनोनेम। और जो एक्यूट होता है उसके सिनोनेम होते हैं क्रिटिकल, क्यूरिशियल, प्रीसिंग, शार्प, इंसलिव और श्रिल। श्रिल, शार्प, क्रिटिकल और क्यूरिशियल, ये जो है एक्यूट के। एक बार हम लिख देते हैं तो आप लोग नोट कर लेना। क्रिटिकल, एक्यूट के जो सिनोनिम होते हैं वो होते हैं क्रिटिकल, क्रूसियल। ओके, और जो शार्प और श्रिल, ठीक है। और नेक्स्ट आपका वर्ड सीखा था हमने एडेक्वेट। अब देखिए, रिवीजन करने में तुरंत से आपको अपनी गलती पता चल जाती है। हमने जब पढ़ाया तो हमको नहीं पता चला, हमने पढ़ाते में देखा ही नहीं कि इसका सिनोनिम क्या था। ओके, रिवीजन किया तो तुरंत से पता चल गया कि हम क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए आपको रिवीजन करने के लिए हम बार बार बोलते रहते हैं, रिवीजन ज़रूर से कीजिएगा। यहाँ से वीडियो देखिए, आप ऑडियो वहाँ से खबरी से सुनेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा, मेक श्योर। ओके, एडेक्वेट का मतलब होता है अनुरूप, और जैसे
काफी, तुल्य, पर्याप्त, बराबर, यथेष्ट, यथोचित, योग्य और समुचित। अब इसके जो सिनोनिम होते हैं वो होते हैं एनफ, सेटिस्फैक्ट्री, सफिशियंट, कंफर्टेबल, एवरेज और डिसेंट। एंटोनिम जो होते हैं वो होते हैं डेफिशियंट, वॉन्टिंग और इनसफिशियंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमने जो सीखा था वो था एडमायर, ADMIRE। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, श्रद्धा करना, सराहना करना, बड़ाई करना। और इसके सिनोनिम हो जाते हैं अप्रिशिएट, प्रेज, वैल्यू, रेस्पेक्ट, लाइक और रिगार्ड। एंटोनिम हो जाते हैं ब्लेम, कैनमेंट, डिसअप्रूव। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमने सीखा एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, गोद लेना, स्वीकार करना, पारित करना या अंगीकार करना। ठीक है, सिनोनिम इसके होते हैं फर्म, अप्रूव, कंफर्म, सैंक्शन, पास, रेटिफाई। एंटोनिम इसके हो जाते हैं डिस्क्लेम, डिसोन, स्पर्न। ओके, लास्ट वर्ड हमने सीखा था आज का एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य या एडवर्सिटी हमने सीखा ही नहीं, एडवेंचरस सीखा है। ओके, एडवर्सिटी ना सीखकर हमने सीखा है एडवेंचरस। कितनी गलतियां होंगी, रिवीजन में सब कुछ पता चलता है। ओके, जस्ट वेट। हाँ जी, एडवेंचरस सीखा है, एडवर्सिटी हम कल रिवीजन करेंगे इसका, कल इसके बारे में आपको सब कुछ पता चलेगा। थोड़ा हम बता देते हैं एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य और गरीब, बदहाली, विपत्ति, मुसीबत, कठिनाई, प्रतिकूलता। अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, मिसफॉर्चून, अनलकनेस, हेल्पलेस, एफिक्शन, हार्डशिप, ब्रदर। ओके, और इसके एंटोनिम हो जाते हैं प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून और हैप्पीनेस। ठीक है, अब बात करेंगे एडवेंचरस की। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी, जांबाज, निडर, जीवट वाला, उद्यमशील, उत्साही, जोखिमपूर्ण, रोमांचक। इसके जो सिनोनिम होते हैं वो होते हैं बोल्ड, डेयर डेविल, डेयरिंग, एंटरप्राइजिंग, डेंजरस, रिस्की। एंटोनिम होते हैं काउटियस, सेफ और टेमिड। ओके, तो ये था हमारा आज का वर्ड्स ऑफ द डे का बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको अच्छा लगा है और पहली बार विजिट करें तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपनी क्वेरीज को मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उन्हें भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे जो भी वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाया करे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PPT मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, जो आपके जो नोट्स बनाएंगे उनमें आपको हेल्प हो जाएगी। खबरी ऐप पर आप हमारे तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए, वहाँ से आप हमें फॉलो कीजिएगा, वहाँ से ऑडियो रिविजन करते रहिएगा, बहुत आपका 10 times बेटर आपको लर्न हो जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, तो और अपना घर पर रहिए, अपना और अपने सपनों का, अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवारजनों का, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।